ओम शांति। अभी डॉक्टर सचिन से सुनेंगे जो कि काफ़ी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट डॉक्टर सचिन, ही इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट इन ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आप साइट सीन के तौर पे देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन द डायस इन चेयर्स डॉक्टर रक्षा पटेल एंड डॉक्टर इंदु बाला, डॉक्टर रक्षा पटेल। डॉक्टर इंदु बाला, मैं आपको छोटा सा परिचय डॉक्टर सचिन जी का देना चाहूँगा। डॉक्टर सचिन, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम राजयोगा सिंस लास्ट 15 ईयर्स। ही इज़ कम्प्लीटेड हिज MBBS इन 2002 एंड होल्ड्स अ MD डिग्री इन इंटरनल मेडिसिंस एंड इन अल्टरनेटिव मेडिसिंस। ही हैज़ डन हिज फेलोशिप प्रोग्राम्स इन क्रिटिकल केयर मेडिसिंस एंड ऑल्सो फेलोशिप इन इंटेंसिव केयर मेडिसिंस, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, फेलोशिप इन डायलिसिस एंड वेरियस अदर कोर्सेस रिलेटेड टू क्रिटिकल केयर मेडिसिंस। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड पोएट एंड हैज़ कंपोज्ड हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश पोएम्स एंड प्रोज ऑल्सो। सो हम सब सुनेंगे आदरणीय सचिन भाई से। ओम शांति। मैं हमारे बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सचिन भाई का और हमारे गेस्ट का स्वागत करें। शांति। जीवन एक अनंत सागर है और इस सागर में अनंत मोड़ है, लहरें हैं। आज सुबह से हमको याद आ रहा था अपनी ही जीवन की यात्रा। 1995 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे चुके थे, छुट्टियां चालू हो गई थी और हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। और गांधीयन थॉट्स की कुछ किताबें हमारे पिताजी हमारे लिए लेके आए और हम वो किताब पढ़ना चालू किए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय M.K. गांधी। पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन और अगले कुछ दिनों में हम मौन हो गए। वो मौन इतना गहरा था कि 6 मास तक चला, जिस 6 मास में हमें लगता है कि एक शब्द भी हमारे मुख से नहीं निकला होगा। और एक मौन क्रांति हो गई। जीवन जो संसार की ओर जा रहा था अचानक मुड़ गया भगवान की ओर। रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स, MBBS में एडमिशन,
4.5 साल तक MBBS की पढ़ाई और साथ साथ भगवान की खोज। MBBS पूरा हुआ, इंटर्नशिप पूरी हुई, सभी स्टूडेंट्स घर चले गए, हम नहीं गए, हम हॉस्टल में रहे। और एक दूसरी क्रांति, एक सत्संग उस शहर में आया और 7 दिन तक हमने वो सत्संग सुना और फिर मौन हो गए। इंटर्नशिप चालू हुई और फिर पूरी हुई, अब क्या करें? सब ने कहा तुम भी पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हम अपने भाई के पास गए जो कि MBBS कर रहा था और PG की पढ़ाई करते करते फिर एक बार मौन में चले गए। और ये जो मौन था सबसे गहरा था। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, इसका कोई उत्तर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताब में नहीं था। और एक अशांत मन हम ढूंढने लगे और संसार में शायद ही कोई ऐसा धर्म, ऐसी संस्था, धार्मिक सत्संग नहीं होगा जहां हम नहीं गए। और इस मौन में ऐसा लगने लगा कि मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल का ये जीवन हमें तृप्त नहीं कर सकता। और स्टडी करते करते धर्म की, धार्मिक संस्थाओं की, योगियों की, महात्माओं की, ईस्ट एंड वेस्टर्न फिलोसॉफीज की, और उस मौन में हमने एक डिसीजन लिया था कि आई हैव टू रिनाउंस दिस वर्ल्ड। और फिर सब तरफ से विरोध, 6 मास तक वो चला। रिजल्ट आ गया PG एंट्रेंस का, कहीं पर एडमिशन मिल गई MD के लिए, वो सीट को हमने छोड़ दिया क्योंकि भगवान को पाए या संसार को। और फिर किसी ने कहा माउंट अबू आओ, और हम यहाँ आए 2003। November 30, शांतिवन, और जो डायमंड हॉल था वहां हम बैठे रहे। तीन बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक अशरीरी, आउट ऑफ द बॉडी, और एक डिवाइन रियलाइजेशन हुआ और हमको लगा कि हम वहां पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, जो बचपन से हमने देखा था स्वप्न में वादियों को, पहाड़ों को, वो यही है। और जैसे ही हम पहुंचे हॉस्पिटल साइट सीइंग के लिए, और किसी ने कहा ये हॉस्पिटल है, हम ये तक भूल गए थे कि हम डॉक्टर हैं। और हमको स्मरण आया कि हम डॉक्टर हैं और हम यहाँ आ गए। ये बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? जिस जगत में हम रहते हैं वो आवास की दुनिया है, जहाँ हम विचरण करते हैं सुबह से लेकर रात तक शब्दों की दुनिया है। जिस आकाश में हम रहते हैं वो आकाश भाषा का आकाश है, शब्द का आकाश है। और परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, इज रिवील्ड इन डीप साइलेंस।
क्या इस आवाज़ से परे भी, क्या इस शब्दों की दुनिया के परे भी कोई जगत है, कोई सत्य है, कोई ऐसा आलोक, कोई ऐसी दुनिया कि जहाँ पर बिना पूछे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। जीवन जो इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या इसके सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सकते हैं? हमें नहीं लगता हमने अपने जीवन में ऐसा कोई धर्म छोड़ा, कोई सिद्धांत, तो कोई धार्मिक संस्था, कोई गुरु, कोई योगी, कोई महाराज, कोई मंदिर, कोई मठ, कोई पंथ कि जहां हम नहीं गए। और हर जगह पर शब्द पाए, शास्त्र पाए, आवाज पाया, और जब जब हम मौन में गए उसी मौन में सत्य प्रकट हुआ। तो आज हम आवाज से परे भी कोई एक जगत है, आवाज के आकाश से परे भी और कोई आकाश है, द स्काई बियॉन्ड द स्काई ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसे 10 आकाश की चर्चा करेंगे तो सभी सर्वप्रथम स्थिर होके बैठ जाएंगे, पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, संपूर्ण चेतना को एकाग्र, और चलते हैं संपूर्ण चेतना को देह के भव्य भाल पर एकाग्र करेंगे। संपूर्ण मौन अव्यक्त वायुमंडल स्थूल देह में विराजमान, मौन की अव्यक्त तरंग, चेतना का वह प्रकाश, मैं हूं। कहां हूं, कहां भटक गया हूं इस संसार में? सुबह से लेकर रात तक आवाज ही आवाज, शब्द ही शब्द, कहीं मैं खो तो नहीं गया? निःशब्द पुकार रहा है, नियति ने अवसर दिया है, एक भाग्य के द्वार खुले हैं। स्वयं को जानने का एक अवसर, आवाज की दुनिया से बाहर जाने का एक मौका, the din and glamour of this world. Let me see myself, my scattered life, full of fury and sound, where I am lost. Let me go back. The sky of sound is not my real being. I am someone above.
मुझे उस आकाश को पाना है, उस मान के आकाश को जहां मैं हूं, अंतकरण की और अंतस चेतना की आवाज जहां मुझे सुनाई दे और मैं स्वयं से पूछूं कहां भाग रहे हो, किस ओर जा रहे हो, क्या यही जीवन है, क्या संसार का वैभव, धन संपदा, मित्र संबंधी मुझको भर सकेंगे। मैं आत्मा अनंत हूं, अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है, और एक अवसर मुझे मिला है, प्रकृति का सानिध्य जहां है, सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपन जहां है, ज्ञान सरोवर का यह पुनीत पवित्र स्थान, शक्ति का स्पंदन जहां हो रहा है, इन दैट लैंड ऑफ एक्स्टेसी, इन दैट लैंड ऑफ डिविनिटी, इन दैट लैंड ऑफ साइलेंस, लेट मी विथड्रॉ, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। ओम शांति। अगले 3 दिन हर एक को स्वयं को देखना है, केवल सुनना नहीं, क्योंकि कुछ कुछ बातें सुनने से नहीं, प्रयोग करने से पता चलती है। जो जो वक्ता यहाँ पर आएंगे वो केवल स्पीकर्स नहीं है, बट अवेकन्ड सोल्स, साधक है, तपस्वी है, योगी है। तो जिस आकाश में हम जीते हैं सुबह से रात तक, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम चुप हो जाए कुछ समय के लिए, मौन हो जाए कुछ समय के लिए, और सुने उस आवाज को जो अंतकरण से आती है। 6 अगस्त 1925 यंग इंडिया के एक एडिशन में महात्मा गांधी ने लिखा है, आई हैड गॉन वंस टू विजिट अ ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री इन अफ्रीका एंड आई वॉज अपॉल्ड टू सी that all the sadhak, all the votaries, all the sannyasins who are staying there are observing silence for unlimited time, and I was curious to know why they are observing silence, and I asked the head of the monastery why they are observing silence, and the head of the monastery said, we are frail human creatures. We keep on talking from morn till dusk and we don't know what to talk, and that same long drawn out rigmarole, the nonsensical talk goes on and on and on for no end, to no end. And that's why we have made a rule of this monastery, this ashram, that whosoever comes to this ashram will observe silence, because in that silence they will be able to hear the voice of conscience. गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्न संशया। द गुरु इज नॉट सेइंग एनीथिंग, द डिसाइपल्स आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, बट डिसाइपल्स माइंड्स आर फुल ऑफ डाउट्स, सस्पिशन। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, द व्याख्यान इज ऑफ मौन एंड द मौन इज डिस्ट्रॉइंग द डाउट्स, द सस्पिशंस। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यहां ये क्यों, यहां वो क्यों। मौन हो जाओ,
शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो सारे उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तो सबसे पहला आकाश है मौन का आकाश, दूसरा एकांत का आकाश। जिस युग में, जिस जीवन में, जिस धारा में हम बह रहे हैं, वो क्राउड का जीवन है। सुबह से लेकर रात तक हमारे इर्द गिर्द केवल लोग हैं, व्यक्ति है, क्राउड है, क्राउड एंड क्राउड एंड क्राउड। वी आर सराउंडेड बाय क्राउड। सुबह से लेकर रात तक पेशेंट्स पेशेंट्स पेशेंट्स, ट्रैफिक, फैमिली, द वर्ल्ड। क्या इस एक क्राउड से परे भी कोई एक दूसरा आकाश है? यस, द स्काई ऑफ सॉलिट्यूड बियॉन्ड द स्काई ऑफ क्राउड। पश्चिम जगत के एक विचारक, एक हार्ट, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई वॉज वंस सिटिंग इन वुड्स ऑल अलोन, ऑल साइलेंट, not talking with anybody, and some of my friends were passing by and they came to me and they said, we found you alone and that's why we have come to give you company. And he said, I was enjoying the supreme company of my beloved, now you have come and made me alone. Main ab tak param anand mein tha, tum aa gaye aur mera ab main ekant ho gaya. Tumhare aane ki wajah se mera wo आंतरिक मौन समाप्त हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 3 दिन हम ऐसे जिए यहाँ पर कि मौन है, ऐसे जिए कि जैसे यहाँ और कोई नहीं, बस मैं और मैं और मैं हूँ केवल। क्योंकि अब तक हमने दूसरों को देखा, अब तक दूसरों को देख रहे, क्या ऐसा हो सकता है मैं केवल अपने आप को देखूं? जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज गुर्जियफ हैड वंस कंडक्टेड वन एक्सपेरिमेंट। उसने अपने 30 शिष्यों को एक घर में बंद करके रख दिया और उनसे कहा, इस कमरे में अगले 3 मास तक ऐसे जियो कि जैसे दूसरा वहाँ है ही नहीं, एंड कंप्लीट साइलेंस, यू डोंट हैव टू इवन सिग्नल एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। यू आर फिल्ड विद डाउट्स, यू आर फिल्ड विद सो मेनी क्वेश्चंस, एंड आई कैन नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड आई हैव नो क्वेश्चन answer to those questions, just stay calm and behave and leave as if no one else is there in that room. And after the 3 months, and he asked, do you have any questions? And all the questions were destroyed. He did not answer them. Questions were destroyed. Because in that moment of silence, in that moment of silence, in that moment of internal stillness, the soul touched the core. क्या ऐसा हो सकता है? जब नियति ने यह मौका दिया है, नियति ने यह अवसर दिया है इस पवित्र प्रांगण में आने का, जिस स्थान पर आप बैठे हैं कोई साधारण स्थान नहीं है। जब हम पहली बार यहां आए थे, आई डिड नॉट नो व्हाट इज ब्रह्मा कुमारीज, आई डिड नॉट नो what philosophy it has got. If some intelligent member of this community had come and tried to explain me the philosophy of Brahma Kumaris, I would have straight away rejected it, because my mind would filled with Vedanta, Advaita Vedanta, Eastern philosophy, Western philosophy, St. John, St. Bernard, St. Assisi, Rabia, Islam, Buddhism, Zen philosophy. I had traveled extensively across India, Shri Shri Ravi Shankar, Mata Amritanandamayi, Yogada Satsang Society, Swami Yogananda. I read his autobiography 4 times, not because I wanted to become learned, not because I wanted to become Pandit, because I wanted to search the truth. Because I was thirsty to know the truth of life, and which I couldn't find in anatomy, in physiology. I couldn't find in books of Schwartz, Love and Belly. And when I came here, और मुझे लगा ये कौन लोग हैं, कैसी इनकी दिनचर्या, ये क्या करते हैं? I did not ask them to explain me the philosophy of Brahma Kumaris, what is soul and what is God and what you believe and what is the cycle and what is this world philosophy. That I knew enough from the worldly literature.
I saw their lives. उनकी धारणाएं, उनके जीवन की पवित्रता, और मुझे याद आया what Swami Vivekananda had said somewhere. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी. A time will come when Indian lady will clad in white shall spread the message of God world over. And I was shocked. To know that. तो दूसरा आकाश जहां हमें जाना है, कम से कम ये तीन दिन में एक मोमेंट इज इनफ, एक घड़ी इज इनफ, वन सेकेंड इज इनफ फॉर रियलाइजेशन. द वर्ड रिलीजन इन वन वर्ड स्वामी विवेकानंद हैज डिफाइंड, रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन, दैट्स इट. धर्म अर्थात अनुभूति. डोंट टॉक ऑफ फिलोसफीज, डोंट टॉक ऑफ डॉगमास, डोंट टॉक टू डूज एंड टू नॉट टू डूज लिस्ट. Religion in one word is realization. He who has realized is religious. Who has not realized is not religious. Have I realized? Knowledge I have enough, but has that knowledge helped me realize? The whole internet is open before me and I can click anything and I can read any literature of the world. But has that helped me in realization, in understanding who I am, what I am, where I am going, what I have to do, from where I have to, where I have come? शायद नहीं. तो अगले तीन दिन में उस भीड़ से उपराम होकर, चुप होकर एकांत में प्रवेश करना है. आंतरिक एकांत, द सॉलिट्यूड, द स्टिलनेस, द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ माय ओन बीइंग. ये दूसरा आकाश. तीसरा आकाश, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो विचारों की दुनिया है, संकल्पों की दुनिया है. क्या ऐसी भी कोई दुनिया है, ऐसा भी कोई आकाश है? अ वर्ल्ड वेयर थॉट सीज, निर्विचार जहां हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? और वहां आध्यात्मिक विचार प्रकट हो. ये विचार नहीं कि इस पेशेंट को क्या करना है, इस पेशेंट से हमने क्या पाया, इस पेशेंट से हमारे हॉस्पिटल में कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनों की मदद की, कितनों को ठीक किया, कितने पेपर्स प्रेजेंट किए और कितनी डिग्रियां हमारे पास है. ये विचारों से परे कुछ और विचार, वो आध्यात्मिक विचार का आकाश है जहां पर ये प्रश्न उठे कि हु आई एम, मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं. जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, वंस आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3 AM एंड आई वेंट एंड आई वॉज रेस्टलेस एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही इज पेसिमिस्ट, एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट इज दिस, एंड आई वेंट इन वन गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3 o'clock एंड देर वॉज अटर डार्कनेस एंड सडनली द गार्डनर केम अप एंड ही आस्क्ड, वहां कौन है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या चाहिए, कहां से आए हो. एंड इमैनुअल कैंट सेज, यही तो मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं और क्या चाहिए. दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड दैट केम फ्रॉम दोज दैट गार्डनर हु वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस मैन इज डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग. हैव आई आस्क्ड दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ और आई एम लॉस्ट ओनली इन दिस क्वेश्चंस ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चंस ऑफ माई फैमिली, क्वेश्चंस pertaining to hospital and questions pertaining to my status and questions pertaining to all that is worldly and temporal. Is there a world? Is there a sky beyond the sky of worldly thoughts? Yes, the sky exists and the sky is of spiritual thoughts. Where the spiritual inquiry should begin, atato brahma jidnyasa, atato bhakti jidnyasa, atato gyan jigyasa, atato jivan jigyasa. What is this life? Stop. Statue and now think what I am. और इससे अधिक सुंदर जगह कोई नहीं इस संसार में इन प्रश्नों के
उत्तर ढूंढने के लिए। तो तीसरा आकाश है आध्यात्मिक विचार का आकाश, चौथा आकाश भावनाओं का आकाश। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो भाव का जगत है, भावनाओं का जगत है, वहां पर इमोशंस है, फीलिंग्स है। और कुछ कुछ फीलिंग्स बहुत अच्छी है, किसी किसी को सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी है। हमें याद है हमारे अपने जीवन में ऐसा आवेश हो गया था एक दिन, ऐसा आवेश इंटर्नशिप में कि जे जे भेटी जे भूत ते ते मानी जे भगवंत, शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, द सर्विस ऑफ मैन एज गॉड, ये हमने एक जगह पढ़ लिया था कहीं पर। और फिर हमको धुन सवार हो गई कि जो जो पेशेंट है वो स्वयं भगवान है। ऐसा आवेग हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। लोग कहते थे तुम बहुत अच्छे इंटर्न हो, तुम बहुत ही सिंसियर हो, बट दैट वॉज नॉट माई सिंसियरिटी। दैट वॉज समथिंग एल्स, एन अवेकनिंग विद इन। इस तरह के भाव तो संसार में बहुत है, जो मेरे भी थे और हमारे थे तब, परंतु इस भाव से परे कुछ और भाव भी है, भगवान के प्रेम के भाव, परमात्मा खोज के भाव, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो एक्सटेसीज, वो डाउन द एजेस विच यू फाइंड इन द लाइव्स ऑफ सो मेनी सेंट्स एंड ग्रेट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इन द लाइव्स ऑफ ग्रेट योगीज ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या ऐसे स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड स्पिरिचुअल इमोशंस मेरे अंदर प्रकट हुए हैं, या अभी भी हम केवल माई वाइफ, माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रेन, माई हॉस्पिटल, माई पेशेंट्स, और उन्हीं भावों में केवल जी रहे? क्या इन भावों से परे भी और कोई भाव है, आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक उन्माद, स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इंटॉक्सिकेशंस वाले भाव है? इन तीन दिनों में उन भावों में प्रवेश करना है। अगला कल्पना और स्वप्नों का आकाश। हर एक व्यक्ति एक स्वप्न जगत में जीता है, कुछ बनना है, कुछ पाना है उसे। He has to become the top. He has to attain something, some name, some fame, some glory. The leading practitioner of this area. We want number of things before us, behind us. पर एक इच्छा और भी तो है, वो कौन है? वो परम सत्ता कौन है? वो परमेश्वर कौन है? जैसे कहा, अनंत की प्यास केवल अनंत से बुझेगी, किसी व्यक्ति से नहीं। ये एक आकाश है इच्छा का। उसके बाद है, ये एक आकाश है स्वप्न और कल्पनाओं का। उसके बाद का आकाश है इच्छाओं का आकाश, द स्काई ऑफ डिजायर्स। एक हम इच्छाओं के आकाश में रहते, ये मिल जाए अब ये चाहिए, अब ये मिल जाए अब वो चाहिए। एक इससे भी परे इच्छा है, एक बताया स्वप्न और कल्पनाएं, जो व्यक्ति ड्रे ड्रीमिंग करते बैठता है, एक है इच्छा करते बैठता है। क्या ऐसी इच्छा उत्पन्न हो सकती है? वसुधैव कुटुंबकम, की जहां भावना हो और वहां पे परम सुख और परम आनंद है। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे, स्थिर, और उस आकाश में प्रवेश करेंगे जहां पर खो जाना है परंतु फिर भी खोना नहीं है। जो गीत आप सुन रहे हैं, ये गीत नेशनल गेम्स में 1994 लता जी ने गाया हुआ है, पूना, किसी फिल्म भव्य भाल पर विराजमान मैं एक प्रकाश पुंज हूं, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, शरीर की सारी हलचल समाप्त, वायुमंडल अव्यक्त, संपूर्ण मौन। इस सभा में केवल मैं अकेला बैठा, संपूर्ण एकांत। मैं कौन हूं?
कर रहा हूं किस और मुझे जाना है। एक विशाल स्क्रीन देखेंगे, ये मेरे जीवन का पर्दा है। देख रहा हूं आज स्वयं को, अपने बचपन को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने माता पिता को, भाई बहन को। यहां मेरा जन्म हुआ और आगे मेरी स्कूल, मेरे मित्र, पढ़ाई। कैसा निरागस चित्त था, व्हाट इनोसेंस, व्हाट ब्यूटी, व्हाट जॉय ऑफ लाइफ, व्हाट केयर फ्री बीइंग, नो स्ट्रेस, नो टेंशन ऑफ लाइफ, हाउ हैप्पी आई वॉज, लॉस्ट इन प्ले थिंग्स। और आगे कॉलेज, मेडिकल की ये पढ़ाई, ये दोस्त, ये एग्जाम्स, वो मित्र जिनके साथ मैं घूमता था, और आगे इंटर्नशिप, और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, और आगे प्रैक्टिस, मेरा घर, घर के लोग, सबको आज साक्षी होकर देखता हूं। क्या मैंने वो पा लिया जो पाना था? क्या वो जीवन का वो आनंद परम सुख है, या सब कुछ पाकर सब कुछ अन पाया है? लेट मी कम बैक टू माई सेल्फ, to my own being. Stop. The divine call has come from above. Let me scale the sky of silence, the sky of solitude, the sky of spiritual thoughts, the sky of spiritual emotions, desires, imaginations, dreams. Absolute peace, a divine ecstasy. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अव्यक्त हूं। ओम शांति। अगला आकाश दृष्टि का आकाश, सुबह से लेकर रात तक जो हम देख रहे हैं, क्या वही सत्य है? जिन शरीरों को हम देख रहे हैं, क्या शरीर ही सत्य है, या शरीर से परे भी कोई एक सत्ता है, कोई वर्ल्ड है? दिस विजन, ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि के आकाश में हम जी रहे हैं, और ये दृष्टि शरीर को देखती है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, बीमारियों को देखती है, एंड वी डायग्नोज, एंड वी हैव शार्पन्ड अवर क्लिनिकल एक्यूमेन।
And right from the time patient enters, our diagnosis starts. And we come to some rare diagnosis. And we present papers. But have we observed something else? Something which is non-physical. Some energy with which that patient is coming. Some divine spark which is sparkling there. वो spiritual vision कैसे create करना है वो अगले 3 दिनों में आप सबको यहाँ पर अभ्यास करना है. अभ्यास यही करना है ताकि यहाँ का अभ्यास आगे चले. ये जो भी दिखाई दे रहे हैं, they are sparks of luminosity, they are sparks of light, not just the physical being, नचभाति भूत संघम, but इस देह से परे कुछ अस्तित्व है उनका. वो मुझे जानना है, देखना है, अनुभव करना है. अ सेट ऑफ डिविनिटी. व्हेन आई मीट समबडी, आई एम मीटिंग अ सेट ऑफ डिविनिटी. दिस एक्सपीरियंस. तो दृष्टि, उसके बाद है वृत्ति, एटीट्यूड. जिस एटीट्यूड में मैं जीता हूँ सुबह से लेकर रात तक, उस एटीट्यूड के आकाश से परे भी एक दूसरा एटीट्यूड है, अनलिमिटेड एटीट्यूड. वो क्या है, वो कैसा है, अगले 3 दिनों में आप यहाँ सुनेंगे. जो जो स्पीकर यहाँ बोलेंगे, केवल उसको नहीं पकड़ना है जो वो बोल रहे हैं, परंतु बोलने के बीच में जो पॉज है, जो गैप है, जो साइलेंस है, उसमें वो लोग कुछ कुछ कहेंगे, बोलेंगे, वो सुनना है. और अगला आकाश है 9th, संस्कारों का आकाश, हैबिट्स का आकाश, एडिक्शंस का आकार. हर एक व्यक्ति यदि हम देखें इस केज्ड इन वन हैबिट, और वो एडिक्शन, वो हैबिट ऐसी हो सकती है कि उस एक हैबिट के वजह से, उस एक संस्कार के वजह से जीवन नरक बन चुका है. वो एंगर हो सकता है, वो इरिटेबिलिटी हो सकती है, वो ग्रीड हो सकती है जिसको हमने नीड का नाम दिया है, वो टॉकेटिवनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेसिव अटैचमेंट, पजेसिवनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो जो एक संस्कार है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम पल रहे हैं और जिसने हमें कैद करके रखा है, क्या उस संस्कार से परे भी कोई और संस्कार है? इज देयर अ स्काई ऑफ दैट संस्कार बियॉन्ड दिस संस्कार? और वो जो स्काई है वो एक नया स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का संस्कार है. यहाँ आप आए, आपने देखा होगा या देखेंगे कि यहाँ की दिनचर्या कहाँ से चालू होती है. सुबह से प्रातः स्मरामि वहाँ चालू होती है, और कैसे सब लोग उठ जाते, कैसे सब योगी यहाँ पर है, कैसे सब में प्यूरिटी की और वो ब्रह्मचर्य की पावर है. और इसलिए इतना विशाल कार्य कैसे चल रहा है पता नहीं चलता है, कौन बना रहा है पता नहीं चलता है. एक डिपार्टमेंट संभालने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है. यहाँ कौन किसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, कौन को उसको कुछ कह नहीं रहा है, सब कुछ स्मूथली अपने आप चल रहा है. हजारों का भोजन बन रहा है, हजारों की चाय बन रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है? नो, दिस इज नॉट द ह्यूमन फोर्स, दिस इज द फोर्स डिवाइन विच इज वर्किंग. What force, what motivation must have brought? यहाँ आकर अगर यहाँ जितने भी क्लासेस और लेक्चर्स हुए वो सब तो सुनो, पर हम आपको एक बात कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्लास और सबसे बड़ा लेक्चर देने वाला होगा वो शायद कहीं किचन में है, कोई झाड़ू लगा रहा है, उससे जाकर पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, और जो आंसर वो देगा वो आंसर विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पीच देन एनी अदर स्पीच ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. जो वो कहेगा कि मैं यहाँ क्यों आ गया, ऐसे ऐसे लोग हैं अनपढ़, कुछ कुछ जिनको लिखना नहीं आता है, बट दे विल टीच यू दैट लेसन ऑफ लाइट विच यू हैव नेवर लर्नड इन एनी ऑफ द फिलोसॉफीज ऑफ दिस वर्ल्ड. हमें याद है कि यहाँ पर माता थी अनपढ़ माता, उसे कुछ नहीं पता, लिखना नहीं आता है, केवल सुनती है. एक कलेक्टर आए यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, कलेक्टर, उसको उसने थोड़ा सा ज्ञान समझाया, और फिर जैसे कलेक्टर साहब के बहुत सारे प्रश्न, तो उस माता ने कहा, ऊपर से नीचे तक देखा पहले, और कहा, इतने बड़े ऑफिसर होके इतना भी नहीं समझ में आता है कि भगवान कौन है? और उसको ऐसा तीर लगा, his life changed by the words of that unlettered woman. यहां पे लास्ट टाइम एक व्यक्ति आया था, he used to smoke and he came for some conferences. उसको किसी ने कुछ नहीं कहा कि स्मोकिंग छोड़ो, यहाँ आया और इसी हॉल में बैठा, और बैठे बैठे ही संकल्प कर लिया कि ये मुझे नहीं करना है, एंड स्टॉप्ड इट फॉर एवर.
सच वाइब्रेशन, सच पावर, सच एनर्जी, ऐसा आभामंडल प्रभामंडल इस भूमि में स्पंदन है, हो रहा है। यहाँ जो संकल्प किया जाएगा वो सत्य होगा। तो एक संस्कार है अपने जीवन के संस्कारों को, हैबिट्स को, एडिक्शंस को, जिसमें हम बंधे हैं, फंसे हैं, एंड आई एम केज्ड, लेट मी फ्री माई सेल्फ, लेट मी अनलिश फ्रॉम दैट संस्कार, फ्रॉम दैट एडिक्शन, एंड कम टू दिस न्यू संस्कार, न्यू लाइफ स्टाइल, अ स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, वेयर देयर इज अ जॉय, एक्सटेसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सब कुछ पा लिया पर देर इज नो जॉब सेटिस्फैक्शन। यू लुक एट द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली डॉक्टर्स, दे सफर फ्रॉम सो मेनी डिससेटिस्फैक्शन, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, ओवर एम्बिशियसनेस, ब्लूज, डिप्रेशन, एडिक्शंस, फेलियर्स, डिजायर टू बिकम फेमस, एंड दे सफर, एंगस्ट रिडन माइंड्स, दे सफर, एंड नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ रिस्पाइट। Can we convert our lifestyle into a spiritual lifestyle where there is a joy, where there is a bliss, where there is a lightness? मुझे याद है हम एक बार अमृत वेला 3 बजे पांडव भवन, जो आप देखेंगे, वहां पर योग मेडिटेशन कर रहे थे। आईसीयू से कॉल आया, एक पेशेंट इज वेरी बैड, वन टूरिस्ट हैज कम, ही इज वेरी ब्रेथलेस, दे इन्फॉर्म मी द एबीजी, एंड देन आई फेल्ट नो आई शुड गो, otherwise all the residents will take care, but no, this time I have to go. And I went and I saw the patient is out of breath, ABC, acute respiratory acidosis. I had to intubate the patient immediately. It was a very difficult intubation, but did it, did all the procedures and lines here and there, and this was all done in the stage of meditation, and I was calm. Otherwise I have to shout, ye lao wo lao, ye karo wo karo, monitor on karo, saturation dekho, ye karo wo karo. But I was amazed. I was absolutely calm and quiet, and I was doing everything. And I came out and I talked with the relatives, and I said, this is done, now wait. And I left, and I again went back and sat in meditation. I was calm, and I forgot all of this, what happened. Aur jab rounds ke liye 9 baje aaye, to wo relatives aake girne ka, doctor sahab, aapne bacha diya. I was shocked, who is this? As if I had forgotten. I went inside and the patient was on ventilator, fully conscious. And I realized such a work can also be done in the stage of silence. Such emergency can be managed in the stage of, if such an emergency is there in any of the bigger cities where I was there earlier, we used to shout like anything. But everything was done so peacefully, so calm. Yes, this is possible with spiritual lifestyle. Or dasva, last, ye sansar. ये संसार भी एक आकाश है जहां हम जी रहे, इस आकाश से परे भी और एक आकाश है, और वो आकाश है अध्यात्म का आकाश। उस आकाश तक हमें पहुंचना है, उस आकाश की टेस्ट लेनी है। उसका एक घड़ी भी उसका अनुभव हो गया, एक घड़ी भी ये समझ में आ गया कि मैं बेहोश हूं, मैं सोया हुआ हूं, फिर उसके बाद में सोना मुश्किल हो जाएगा यहां से जाने के बाद। Rise from the spiritual slumber. Wake up. Now is the call. This is the divine call that has come. यहाँ आप लोग जो आए हैं, किसी भी बहन ने आपको यहाँ नहीं लाया, किसी भी व्यक्ति ने आपको नहीं लाया, ना ही किसी के आमंत्रण पर आप यहाँ आए हो। जन जन के जो पुण्य थे, ढकेल ढकेल कर आत्मा को यहाँ तक पहुँचाया है। जो भाग्य था, उस भाग्य ने यहां तक लाया है। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, और अगले 3 दिन क्या करना है मौन और एकांत में ही समझ में आएगा। उस आकाश को छूना है मुझे, पाना है उस परम आकाश को। मौन हो जाओ हे मन, शांत हो जा हे मन, एकांत की ओर चल। परमात्मा की ओर से यह आह्वान हुआ है, जीवन का यह एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। मैं अपने आप को तैयार करता हूं, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ, नॉट जस्ट टू लिसन, but to become, to scale the new mountain, to go beyond the sky of worldliness and
and to come to that divine sky of spirituality, divine sky of satisfaction, divine sky of spiritual beauty, divine understanding. Let me understand the divine healing. Let me heal myself first in these 3 days. मैं संपूर्ण मौन और एकांत में अपने आप को तैयार करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रक्षा पटेल फ्यू सम वर्ड्स फॉर दिस टॉपिक्स। Hello. Thank you, Dr. Sachin, for sharing your experience and wonderful and soothing experience given to us. It is beyond words. Let us enjoy silence for these 3 days. No internet, no phone calls. So you have time. Try to find out the truth of life. What is who you are and why you are here and where you are going. Okay. Spend some time with yourself and you will find you are a wonderful person. Okay. And you have jo aapko pana tha wo apne sab pa liya. Ask yourself, you are happy? And if answer is no, why you are not happy? So try to find out. Okay. And jab yahan se jao to saath mein kuch leke jao, khali haath mat jao. Yahan ka jo silence hai, holiness है, पवित्रता, wisdom, knowledge means not knowledge of medicine, who I am and why I am here, try to think, okay? Om Shanti. I request Dr. Indu Bala, please share some words. Dr. Sachin को के विचारों को सुनते हुए आज मैं अपने बचपन में चली गई। हम जब बहुत छोटे थे और हमारे जैसे बहुत और भी साथी हैं, बचपन में हम अपने माता पिता से पूछा करते थे कि इस धरती आकाश के आगे क्या है, तो हमें जवाब मिलता था कि वहाँ भगवान का घर है जो कि सृष्टि को चलाता है। हम इसी कंसेप्ट के साथ चलते थे, लेकिन आज जैसे डॉक्टर सचिन ने अपने विचारों को रखा और इस कंसेप्ट को स्काई बियॉन्ड स्काई जो हमें एक्सप्लेन किया, दिस इज़ रियली वंडरफुल और इसका रियल मीनिंग आज हमें पता चला है। और शॉर्ट में And yes. I must compliment Dr. Sachin for this wonderful and lucid and novel style. And I am very thankful to all the organizer of this institution and this conference. I am feeling very happy and this conference is entirely different from our routine conferences. Thank you so much. I will request to all sisters, please come and facilitate for the guest. मैं बनारसी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आए हुए गेस्ट को फैसिलिटेट करें।